नाउ आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म है, एपी की जो फुल फॉर्म है वो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पर ए जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स और डी होता है कॉमन डिफरेंस। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से एपी कैसी होती है। एक एग्जाम्पल हमने लिया है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन। यहाँ पर ए की जो वैल्यू है यानी कि फर्स्ट टर्म है 1, डी हम निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं a2 - a1, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा। वैसे सभी टर्म्स का जो डिफरेंसेज है वो सेम होता है, उसको जो है डी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि 2 - 1 - 1, 3 - 2 - 1, 4 - 3 - 1, 5 - 4 - 1, ऐसे जो है हम डिफरेंस निकालते हैं। अगर सभी टर्म का इक्वल होता है तो हम कह देते हैं उस सीक्वेंस को कि वो एक एपी होगी। अगेन एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि -1, -3, -5, -7 अप टू सो ऑन। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है -1, सेकंड टर्म है -3, ए की वैल्यू क्या आएगी -1। जब हम डी निकालेंगे तो वो आएगा -3 - -1, तो ये -3 + 1 यानी -2 आ जाएगा डी की वैल्यू। फिर -5 में से -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी आ जाएगा -2। ये भी क्या है, एक एपी है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि बताइए क्या जो स्टेटमेंट इन्होंने दी रखी है कि क्या वो एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये कहता है कि जो टैक्सी फेयर है आफ्टर ईच किलोमीटर के बाद, जब फेयर जो है वो 15 रुपीज था एक किलोमीटर का, तो जो एडिशनल किलोमीटर चलेंगे तो वो उसका जो है 8 रुपये चार्ज है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हमने बताना है कि क्या ये एपी बनाएगा या नहीं बनाएगा। देखो सबसे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले जब टैक्सी चलती है तो जब एक किलोमीटर कंप्लीट होता है तो उसका जो फेयर है वो है 15 रुपीज। जब 2 किलोमीटर हो जाएंगे तो फर्स्ट का 15 रुपये वो तो लगेगा ही लगेगा, फिक्स चार्ज है। उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर का वो 8 रुपये जो है उसका ऐड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कहेंगे जो फेयर है फर्स्ट किलोमीटर का वो हो जाएगा 15 रुपीज, और उसके बाद जब हम कहेंगे कि दूसरे किलोमीटर पे जब ये चलेगा तो क्या आएगा 15 + 8 = 23 जो है हो जाएगा। फिर जब 3 किलोमीटर चलेगा तो क्या होगा, 15 तो जो फिक्स है फर्स्ट किलोमीटर का, उसके बाद सेकेंड किलोमीटर का 8 और उसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर का भी 8, तो ये इस तरह से हो जाएगा 15 + 8 × 2 = 31। अगर आप ऐसे जनरली भी देखेंगे तो 15 + 8 = 23, तो 2 किलोमीटर का क्या हुआ 23, उस जब तीसरे किलोमीटर में जाएगा तो 3 किलोमीटर होते ही 8 ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 15 आ गई, सेकंड टर्म 23 आ गई और थर्ड टर्म 31 आ गई। ऐसे ही जब आप नेक्स्ट करेंगे तो उसमें 8 ऐड होता हुआ चलेगा। तो ये हमारे पास जब हम डी चेक करेंगे तो ये आ जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 23 - 15 = 8। फिर a3 - a2 करेंगे तो 31 - 23 = 8। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट हमारी है, ये जो है एक एपी फॉर्म करेगी। उसके बाद जो है हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट दे रखी है, द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ये कहता है कि एक सिलेंडर में जो है क्या है वो दे रखी है एयर, और ये कहता है कि जब भी एयर को निकाला जाता है, जब फर्स्ट टाइम एयर को निकाला जाता है, तो जितनी एयर उसके पास मतलब वॉल्यूम उसके पास थी उसका 1/4 पोर्शन हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जब सेकेंड टाइम जब एयर रिमूव की जाती है तो वो जो रिमूव की जाती है एयर वो किसका 1/4 निकालेंगे, जितनी उसमें बची हुई है पहला निकालने के बाद। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम है वो कितनी है एक्स है, फर्स्ट टाइम जो उसमें पहले से एयर है वो है एक्स है। उसने कहा कि फर्स्ट स्ट्रोक में उसने एयर निकाली कितनी, जो दे रखी है उसका 1/4 यानी कि x/4 हो जाएगा। अब इस x में से x/4 तो निकल चुकी, तो बची कितनी है उसमें
एक्स माइनस एक्स बाय फोर करेंगे तो क्या आएगा, थ्री बाय फोर एक्स। वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट है ए फर्स्ट स्टेज, तो मतलब एक बार जब निकालने के बाद जो वॉल्यूम बची है वो कितनी है, थ्री बाय फोर एक्स। अब इसने कहा है कि जो ये वॉल्यूम बची हुई है जब दूसरी बार वो वॉल्यूम निकालेगा तो वो इसका वन बाय फोर्थ निकलेगा। तो क्या लिखेंगे, एयर रिमूव इन सेकेंड स्ट्रोक, तो इसका जो है वन बाय फोर्थ जो है वो सेकेंड स्ट्रोक में निकाल लेगा, तो ये आ जाएगा थ्री बाय सिक्सटीन एक्स। अब सेकेंड स्ट्रोक में इतनी एयर और निकल चुकी है, किस में से निकली, थ्री बाय फोर एक्स में से निकली, फर्स्ट टाइम निकली थी एक्स में से, बची हुई कितनी थी थ्री बाय फोर, अब इसी में से तो रिमूव होगी ना थ्री बाय सिक्सटीन एक्स, तो जो एयर है वो कितनी बची, थ्री बाय फोर एक्स माइनस थ्री बाय सिक्सटीन एक्स। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा नाइन बाय सिक्सटीन एक्स। तो फर्स्ट टाइम एयर कितनी थी हमारे पास एक्स, सेकेंड टाइम कितनी बची थ्री बाय फोर एक्स, अब थर्ड टाइम कितनी बची है नाइन बाय सिक्सटीन एक्स। तो ए वन ए टू ए थ्री जो है ये हो जाएंगे हमारे पास। अब हमें निकालना है क्या ये ए पी फॉर्म करेगा, तो ए पी के लिए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू निकालने के लिए अब ए थ्री की वैल्यू कितनी है नाइन बाय सिक्सटीन, ए टू की थ्री बाय फोर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा माइनस थ्री बाय सिक्सटीन एक्स। जब ए टू माइनस ए वन करेंगे तो थ्री बाय फोर में से एक्स रिमूव करेंगे माइनस वन बाय फोर। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों दो कि दोनों अलग अलग हैं, अब दोनों अलग हैं तो इसका मतलब डी जो है दोनों का इक्वल नहीं है, सो हम क्या कहेंगे कि ये जो है एक ए पी को फॉर्म नहीं करती है। उसके बाद जो है थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड इसका पार्ट दे रखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट्स कॉस्ट इज 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज बाय द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। देखिए ये स्टेटमेंट और फर्स्ट पार्ट बिल्कुल एज इट इज है, इसने ये उसमें तो हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, उसने देखा था कि 15 रुपीज जो है फेयर था फर्स्ट किलोमीटर का, यह कहता है कि फर्स्ट मीटर की जो कॉस्ट है वो 150 है, फिर नेक्स्ट एडिशनल चार्ज इसका 50 है, तो इसकी सिक्वेंस बनेगी 150 प्लस 50 इंटू वन, फिर 50 इंटू टू, 50 इंटू थ्री, तो इसका मतलब ये जो है एक एपी बनेगी, आप इसको ट्राई करेंगे। उसके बाद है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ये कहता है कि 10,000 रुपये जो है इसने अकाउंट में जमा किए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है 8% लगा हुआ है, तो आपको बताना है कि हर साल जो है उसका पैसा इंक्रीज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट लगने के बाद, तो ये बताना है कि क्या वो रुपीज की जो सिक्वेंस है वो ए पी आएगी या नहीं आएगी। सबसे पहले फर्स्ट टाइम उसने पैसे जमा किए कितने 10,000 रुपीज, फिर उस पर लगा 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू वन प्लस आर बाय 100 की पावर एन। अब फर्स्ट ईयर है तो ये मतलब जब मतलब कि उसने क्या किया कि फर्स्ट टाइम एक साल जब उसको पैसे जमा किए हुए हो गया तो क्या होगा 1000 × 1 + 8/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 + 8/100 को तो 108/100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट जब एक ईयर और पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर जो एन की वैल्यू है वो 2 साल हो जाएगी, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 10,000 × 108/100 × 108/100, इनको जो है कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11,664। अब ये वैल्यू में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, हमें तो डी निकालना है कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है, तो इसमें से हम 10,800 को रिमूव करेंगे तो ये आएगा 864। और सबसे फर्स्ट टाइम कितना था 10,000 और सेकंड ईयर में आ गया था कितना 10,800, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 800, यानी कि 864 और 800 दोनों के दोनों क्या हैं अलग अलग हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एपी नहीं बनाएगा। अब उसके बाद जो है हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने कहा है कि राइट दी फर्स्ट टू फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट फोर्थ टर्म आपने लिखनी है एपी की अगर ए की वैल्यू 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है। तो वैसे तो जनरल जो टर्म होती है एपी की वो होती है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, जनरली हमारा फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, तो एन की वैल्यू पुट करते चलेंगे, एन की वैल्यू जब वन करेंगे तो ए, टू करेंगे तो ये, थ्री करेंगे तो ये, फोर करेंगे तो ये, तो ऐसे टर्म आ जाती है। तो ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 10, फर्स्ट टर्म क्या है 10, सेकंड करेंगे ए प्लस डी 10 + 10 = 20, फिर थर्ड टर्म 10 + 10 × 2
इज इक्वल टू हमारा 30 आ जाएगा। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं a प्लस एन माइनस वन डी के तरीके से। तो a प्लस एन की वैल्यू 2 पुट किया, फर्स्ट टर्म तो हमारे पास थी, तो वही a प्लस डी बनेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा, फिर a प्लस टू डी बनेगा। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उसमें a की वैल्यू दे रखी है माइनस टू, डी की वैल्यू है जीरो। तो a टू क्या होगा, a वन प्लस डी माइनस टू में जीरो ऐड करो माइनस टू, नेक्स्ट टर्म निकालोगे बाद जीरो ऐड करनी है, तो आपका माइनस टू ही रह जाएगा सभी टर्म्स में। उसके बाद थर्ड पार्ट इजी है, फोर्थ भी इजी है, आप जो है खुद से ट्राई कर सकते हैं, अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। फिफ्थ पार्ट है a इक्वल टू माइनस 1.25 और d की वैल्यू है माइनस 0.25। a टू निकालेंगे तो a प्लस डी होगा, तो माइनस 1.25 और जब a इसको यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करते हैं वैसे तो, लेकिन ये टर्म किसकी है, माइनस की, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1.25 और माइनस 0.25 को ऐड करेंगे तो माइनस 1.50 आ जाएगा। फिर a थ्री निकालेंगे a प्लस 2d, तो ये a की वैल्यू है प्लस 2d की वैल्यू माइनस के 0.25 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.50, ऐड करेंगे तो माइनस 0.75, नेक्स्ट टर्म आप निकाल सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि राइट दी फर्स्ट टर्म एंड डी, इन जो है ए पी की क्या कहते हैं, इसमें स्टेटमेंट दे रखी है आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, तो वही जो आ जाएगी डी की वैल्यू। अब ये दे रखा था 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। फर्स्ट टर्म क्या है, 1/3, डी की वैल्यू निकालेंगे 5/3 में से 1/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 4/3, इसमें से इसको करेंगे तो भी आएगा 4/3। फिर उसके बाद जो इसके थर्ड जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन इजी है, आपने खुद निकालना है, ये थर्ड पार्ट दे रखा है। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में दे रखी है स्टेटमेंट 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब ए की वैल्यू यहाँ पर 0.6 है, डी निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6, इनको सब्ट्रैक्ट करके आप देखेंगे 1.1 आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 1.1 है, इसको करेंगे तो भी 1.1 जो है आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, सबसे पहले आप चेक कीजिए कि क्या ए पी है या नहीं है, अगर ए पी है तो आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और नेक्स्ट जो है तीन टर्म आपने निकालनी है। अब इसमें जो है हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट फिफ्थ पार्ट, पहले फोर्थ पार्ट के ऑटोमेटिक इजीली हो जाएंगे, आपने सभी को डिफरेंस करके देखना, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ए पी आ जाएगी और नेक्स्ट टर्म भी निकल जाएंगी। अब बात करते हैं फोर्थ की, फर्स्ट टर्म है 3, फिर है 3+√2, फिर है 3+2√2, फिर है 3+3√2। सबसे पहले a की वैल्यू क्या है, 3, d निकालेंगे, 3 इसमें से 3+√2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, √2। उसके बाद नेक्स्ट टर्म निकालेंगे 3+2√2 में से 3√2 जो 3+√2 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों प्लस के हैं तो ये यहाँ पे माइनस के बन जाएंगे। यह है 3+2√2, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 3+√2, तो 3 से 3 कैंसिल, यह है 2√2, यह है इसको लिख सकते हैं 1√2। देखो एक वैल्यू हमारे पास 2√2 माइनस 1√2, इसको लिख सकते हैं 1 नहीं है, तो यहाँ से हम अगर देखें तो रूट टू कॉमन, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, 1, यानी कि ओनली 1√2 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी हम निकालेंगे, अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, चार टर्म उसने दे रखी थी, पांचवी टर्म अपने निकालनी है, तो पांचवी टर्म क्या होगी, a+4d होगी। तो अब a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू √2 है, तो a+4d ऐसे हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म a+5d इजीली ये जो है निकल जाएंगे। फिर है नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म है 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222 ऐसे दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म तो 0.2 है, a की वैल्यू क्या है 0.2, अब चेक करेंगे कि यह ए पी है या नहीं है। अब 0.22 में से 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको करेंगे तो यह आएगा 0.02, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.222 में से 0.22, तो यह आएगा 0.00×2। तो ये दोनों जो है अलग अलग, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर दो, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, तो ये जो है एक ए पी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट पार्ट आप निकाल सकते हैं, इजी है, उसके बाद नेक्स्ट निकाल सकते हैं। एट्थ पार्ट में डी की वैल्यू 0 आएगी, फिर है नाइन्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट में है 1, 3, 9, 27। फर्स्ट टर्म है 1, ए की वैल्यू क्या है 1, डी निकालेंगे 3-1, 2, फिर 9 में से 3 गया 6, तो दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ए पी नहीं है। टेंथ पार्ट आप निकाल सकते हैं इजीली, फिर है 11th में है a² a³ a^4 ऐसे हैं, तो d निकालेंगे, चेक करेंगे p है या नहीं, तो a² - a में से a कॉमन लिया तो बचेगा a-1,
फिर ए थ्री में से ए टू घटाएंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वेयर, इन दोनों में से ए स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा ए माइनस वन। अब इन दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ए है यहाँ पर ए स्क्वेयर है, तो दोनों चीज़ें जो हैं अलग अलग हैं, यानी कि ये एक ए पी नहीं होगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट जो है ट्वेल्थ, वो है रूट टू, रूट एट, रूट एटीन, रूट थर्टी टू। अब देखिए डी निकालना है, ए टू की वैल्यू है रूट एट, ए वन की है रूट टू, तो रूट एट माइनस रूट टू। रूट एट को हम क्या लिख सकते हैं, टू रूट टू। कैसे लिख सकते हैं, देखो एट को हम लिख सकते हैं टू इंटू फोर, और ये टू इंटू टू, ये आ गया फोर इंटू टू। जब फोर इंटू टू पे रूट लगा हुआ है तो फोर का रूट तो क्या होता है टू, तो वो तो बारह आ जाएगा और ये रूट टू अंदर आ रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं टू रूट टू माइनस रूट टू। ये तो टू रूट टू में से वन रूट जाएगा तो रूट आ जाएगा रूट टू। फिर ए थ्री ये है एटीन को क्या लिख सकते हैं, नाइन इंटू टू, तो नाइन का अगर हम बाहर लेके आएंगे तो थ्री आएगा, इसका कंप्लीट रूट होता है, तो ये इसको लिख सकते हैं थ्री रूट टू। ये है टू रूट टू, थ्री में से टू जाएगा तो वन रूट टू बच जाएगा, रूट टू कॉमन लेके जो इसको हम कर सकते हैं। अब हमारे पास डी की वैल्यू रूट टू आ गई है, फर्स्ट की जो टर्म है वो भी रूट टू है, तो आप ए फाइव निकालेंगे, ए प्लस फोर डी, तो रूट टू प्लस फोर रूट टू, यानी फोर रूट टू, ये वन रूट टू, यानी कि फाइव रूट टू आ जाएगा। फाइव रूट टू को क्या लिख सकते हैं, अगर फाइव को अंदर लेके जाएंगे रूट के अंदर तो ट्वेंटी फाइव बन के जाएगा, तो ट्वेंटी फाइव इंटू टू रूट फिफ्टी आ जाएगा। फिर ए सिक्स निकालेंगे, ए प्लस फाइव डी, तो रूट टू प्लस फाइव रूट टू, तो ये आ जाएगा सिक्स रूट टू, सिक्स को अंदर लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा थर्टी सिक्स इंटू टू रूट, तो रूट सेवेंटी टू आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसकी टर्म निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है रूट थ्री, रूट सिक्स, रूट नाइन, रूट ट्वेल्व, तो ये हम जो डी निकालेंगे पहले, तो रूट सिक्स में से रूट थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, रूट सिक्स माइनस रूट थ्री। रूट सिक्स को हम लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट टू माइनस रूट थ्री, दोनों में से रूट थ्री को कॉमन लेंगे तो यह बचेगा यहाँ पर रूट टू और यहाँ पर वन, तो ये आ जाएगा। फिर हम ए थ्री में से ए टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूट नाइन माइनस रूट सिक्स, रूट नाइन को हम लिख सकते हैं थ्री माइनस रूट सिक्स को थ्री रूट टू। अब थ्री को भी हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, जब इसमें से रूट थ्री कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा रूट थ्री और इसमें से बचेगा रूट टू, तो ये दोनों चीज़ें अनइक्वल हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ए पी नहीं होगी। फिर नेक्स्ट है वन स्केयर, थ्री स्केयर, फाइव स्केयर, सेवन स्केयर, तो अब निकालेंगे ए टू माइनस ए वन, यानी थ्री स्केयर माइनस वन, नाइन माइनस वन एट, फिर निकालेंगे फाइव स्केयर ट्वेंटी फाइव में से नाइन घटाएंगे तो सिक्सटीन, तो दोनों टर्म अलग अलग हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक ए पी नहीं होगा। उसके बाद है फिफ्टीन पार्ट, वन स्केयर, फाइव स्केयर, सेवन स्केयर, फिर है सेवनटी थ्री, तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे ट्वेंटी फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर, फिर है सेवन का स्केयर फोर्टी नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फोर, सेवनटी थ्री माइनस फोर्टी नाइन यानी कि ट्वेंटी फोर, सभी में जो है कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम ये कहेंगे कि ए पी है। ए पी है तो हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, ए फाइव निकालेंगे, ए प्लस फोर डी, डी की वैल्यू ट्वेंटी फोर है, आप इनको कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 जो है कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल ड्रेनो मैथमेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।